44 यूपी बटालियन एनसीसी के सीटीसी 167वें कैंप के पांचवें दिन पुरस्कार वितरण समापन समारोह का आयोजन एमपी इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया। इस मौके पर कैंप के दौरान चल रही विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे फायरिंग, रेल मैप, रीडिंग, भाषण आदि के विजय कैडरों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर एनसीसी के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि एनसीसी अनुशासन एवं व्यक्तित्व का विकास करता है। व्यक्तित्व विकास एवं नेतृत्व क्षमता को विकसित करके परिवार, समाज और कल्याण के विकास में हम अपनी महती भूमिका स्थापित कर सकते हैं। कैंप में दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर एवं कबूतरी देवी पीजी कॉलेज जगदीशपुर के कैडरों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के एएनओ डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य द्वारा किया गया। कार्यक्रम में 15 बटालियन के कमांडर कर्नल एस रामलिंगन, एमपी इंटर कॉलेज के कैप्टन दीपक साहू, लेफ्टिनेंट टीवी थापा, मंदिता त्रिपाठी, कविता गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एनसीसी के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर वीरेंद्र कुमार ने कहा, yeah।
संसाधन। देखिए कैंप जो होता है वो पूरी शिक्षा प्रणाली का एक अंतिम पड़ाव माना जा सकता है। आप उस साल की जो सारी कार्रवाई अभी तक हुई है उसका जो अंतिम पड़ाव है वो कैंप से होता है। जो शिक्षा इनको क्लास के द्वारा ड्रिल में या ग्राउंड पे पहले दी जा चुकी है वो इंडिविजुअल कॉलेजेस में या यू नो इंस्टीट्यूट में अलग अलग जगह दी जाती है। यहाँ इनको सबको इकट्ठा कर करके आपस में मिलने जुलने का मौका दिया जाता है, कम्पीट करने का मौका दिया जाता है और इनको इनकी प्रतिभा बाहर निकालने का एक अवसर दिया जाता है। तो ये इसके बाद जो है इस साल की जो शिक्षा प्रणाली है एनसीसी से रिलेटेड वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। नए साल में नए यू नो शुरुआत करते हैं और इसके बाद इसका जो है अगला पड़ाव होता है इनका सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम, जो कि इस पूरी जो ये पूरी शिक्षा है उसका अंतिम पड़ाव है। उसके लिए बच्चों को तैयार करना, आने वाले समय के लिए इनको तैयार करना, इनकी प्रतिभाओं को उजागर करना, इनको अच्छा नागरिक बनाना, इनको अच्छा इंसान बनाना, वो हमारी सारे कोशिश रहती है इन कैंपों के द्वारा या इनकी ट्रेनिंग के द्वारा। सर कुछ बच्चों को अभी आप एनसीसी कैडेट पुरस्कृत भी किए क्या? हाँ पहले तो खैर नो जो जिनको पुरस्कार मिला उनको बहुत बधाई, लेकिन जो हमारा मेन मकसद जो है वो नो जिताना या आगे बढ़ना वो नहीं है, पार्टिसिपेशन जो है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कोशिश करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में शामिल किया जाए, मौका दिया जाए। ज़्यादातर यू नो समाज में लोगों को मौका नहीं मिलता है, तो हमारा ज़्यादा पार्टिसिपेशन की तरफ ध्यान रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। जीतना तो किसी भी एक गेम का या किसी भी कार्यक्रम का एक अंग है, छोटा सा अंग है, हम शायद उसको बहुत ज़्यादा तजव्वो दे देते हैं, लेकिन हमें मेरे ख्याल से कोशिश ये करनी चाहिए कि पार्टिसिपेशन हो, लोग भाग लें, उनमें से कोई जीतेगा एक, लेकिन जिसने नहीं जीता है वो भी बहुत शिक्षा ग्रहण करके जाता है। तो हमारा मेन मकसद इनको मौका देना है, बाकी जो जीता है उसको प्रोत्साहित भी करना है, दूसरों को दिखाना है कि भाई हमें इस लेवल पे पहुंचना है, उसकी उनको कोशिश करनी है, इसलिए उनको पुरस्कृत किया जाता है।